नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23, 24 और 25 जुलाई की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों से साथ बात करते हैं यशुमय ग्रहों की स्थिति के, उनकी क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उद्धत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों में और भी ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 23 जुलाई की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और इस दिन पुराषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों वैद्यती नामो योग के बाद विषकुंभ नाम का शुभ योग रहेगा। राहु कल का समय इस दिन रहेगा सुबह के 10:54 से लेकर दोपहर के 12:53 तक। दोस्तों, यश में आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन धनुराशि के उपरांत मकर राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, भगवान शनिदेव का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी होगी और इस दिन जो नक्षत्र होगी वह उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र होगा। दोस्तों, विषकुंभ नाम के योग के बाद इस दिन जो योग है वह प्रीति नामो योग रहेगा और इसके उपरांत भी इस दिन एक और योग रहेंगे, वह आयुष्मान नाम का शुभ योग। जी दोस्तों, तीनों ही योग आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे। राहु कल का समय इस दिन रहेगा सुबह के 9:15 से लेकर सुबह के 10:54 तक। दोस्तों, चंद्रमा इस दिन मकर राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन की बात करें, रविवार का दिन होगा, द्वितीय तिथि श्रवण नाम का नक्षत्र और सौभाग्य नाम का इस दिन योग रहेगा। राहु कल का समय इस दिन शाम के 5:29 से लेकर शाम के 7:08 रहेगा। चंद्रमा मकर के उपरांत कुंभ में गोचर करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और परिवार के लोग एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर पाने में भी सफल रहेंगे। दोस्तों, यश में आपके भाई बहनों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे और इसकी वजह से आप भी काफ़ी प्रसन्न दिखाई देंगे। वही दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो आपको धन प्राप्ति के एक से अधिक माध्यम यश में उपलब्ध होंगे, लेकिन यश में केतु की उपस्थिति आपको उन मौक़ों को पाने में अड़चने पैदा करेंगी। ऐसे में आपको सहज रहना होगा और दोस्तों जीवन में आने वाले अवसरों को हाथ से जाने देने से रोकना होगा, तभी आप आसानी से अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, यह समय किसी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है या फिर यात्रा की योजना भी यह समय बन सकती है। आपको कुछ आश्चर्यजनक सूचना भी यह समय मिल सकती है। नई जिम्मेदारियों के लिए आपको तैयार रहना भी यह समय पड़ सकता है। आपके लिए यह समय आज का दिन जो है रोमांचक हो सकता है। दोस्तों, आपको यह समय शोर शराबे और ज़्यादा ठंडी चीज़ों से दूर रहने की सलाह गणेश जी देते हैं। दोस्तों, यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों काम के प्रति जो आपका समर्थन है, यह समय आपको प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिला सकता है। दोस्तों, यह समय आप बहुत ही अच्छे काम करेंगे। दोस्तों, यह समय ग्रह आपका पक्ष नहीं ले सकते हैं, इसलिए कम प्रोफाइल बनाए रखें और सही समय आने का इंतजार करें। दोस्तों, अपने भावनाओं तक संतुलन को बनाए रखें और तुच्छ मुद्दों पर आक्रामक न होएं। दोस्तों, यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों समग्र संबंध परिवर्तन के चरम से गुजर सकते हैं और नए लोग आपके जीवन में भी यह समय आ सकते हैं, जबकि पुराने लोग दूर हो सकते हैं। दोस्तों, यह समय कुछ लोगों के लिए जीवन साथी के साथ साझेदार में बिजनेस शुरू करने के योग हैं। अपने साथी के साथ आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आप अविवाहित हैं तो आपको आपके साथी का जो है तलाश पूरा हो सकता है।
वह दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको सिर में दर्द हो सकता है, सावधान रहें। शोर शराबे वाली जगहों से आप यह समय दूर रहें। तनाव को अपने सर से आप दूर रखें और दोस्तों खोई हुई ऊर्जा को फिर से पाने के लिए आपको एक पौष्टिक आहार प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों यह समय अगर आपकी भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की हम बात करें तो दोस्तों भाग्यशाली रंग आपका रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। दोस्तों यह समय भाग्य अद्भुत रूप से मेहरबान रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की संगत आपके लिए लाभ दिला सकता है, उस संगत से आपको लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों आप यश में ध्यान दें कि कौन सा नया संगत जो आपके लिए आपकी बातों को पकड़ रहा है, आपकी बातों में हाँ मिला रहा है, तो दोस्तों समझ जाइए वो संगत आपको लाभ के रास्ते में ले जा सकता है। तो दोस्तों इससे समय में यह समय का दिन आपको जो है मनोबल आपका बढ़ा सकता है। दोस्तों अपनी अंतर्हित शक्ति को प्रकट करने के आपको इसमें अवसर मिलेगा। जो दोस्तों अपने अंदर आप अगर आप कोई टैलेंट रखते हैं तो दोस्तों इसमें आपको उनको प्रकट करने किसी के सामने दिखाने का मौका मिल सकता है। आप बिल्कुल झिझक महसूस ना करें, सभी के सामने बिल्कुल आराम से आप अपने भावनाओं को व्यक्त करें। दोस्तों अपने संपर्क में आने वालों के साथ आप मिलजुल का सौंदर्यपूर्ण व्यवहार करेंगे। दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी आपके अंदर यश में होगी, परंतु दोस्तों यश में उतावले आम न पकाएं। दोस्तों यश में आप ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। दिन के अंत में आपका थकान बढ़ सकता है, तब दोस्तों आपको संगीत सुनकर या फिर फिल्म देखकर मनोरंजन प्राप्त होगा। दोस्तों यश में आप अपने काम में बड़े ही अच्छे ढंग से प्रवेश करेंगे, अपने काम को बहुत अच्छे तरह से संभालेंगे, जैसा कि ये आपके लिए एक परेशानी मुक्त दिन है। दोस्तों ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। गणेश जी कहते हैं कि ये दिन पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए सही समय है, सही दिन है। दोस्तों साथ ही ये समय एक सहज पेशेवर काम बनाए रखने के लिए टीम वर्क बढ़ाने का समय होगा। दोस्तों इन दिनों में अगर आप किसी को प्रपोज करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि आप खुद को अच्छी तरह व्यक्त कर पाने में आज सक्षम होंगे। वहीं दोस्तों शादीशुदा जोड़े के लिए एक साथ शानदार समय बिता पाएंगे। आज के दिन अगर आप आसपास के जगहों में घूमने के लिए जाते हैं तो दोस्तों अधिक उत्साहित भी आप महसूस करेंगे। दोस्तों यह समय पुराने निवेशों पर आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। अगर आपने किसी में पैसा इन्वेस्ट किया था, म्यूचुअल फंड या फिर किसी में पैसा आपने किया था, तो उनका रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा, आपको अच्छा खासा उनका ब्याज भी मिल सकता है। इसलिए दोस्तों यश में आपके ग्रहों की स्थिति आपको ऐसी गतिविधियों के जरिए लाभ प्रदान करवाएगा जिसकी आप संभावना रखते थे, बल्कि दोस्तों आपका स्वाभाविक कौशल भी आपको अधिक पैसा कमाने में मदद करेगा। दोस्तों इन दिनों में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों यश में आप सबसे पहले पीपल के एक पत्ते पर देसी घी और लाल सिंदूर को मिलाकर उसमें ओम लिखें और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके उपरांत दोस्तों दूसरा उपाय, इस दिन आप पान के पत्ते को वहां रखें जहां आप अपना धन रखते हो। दोस्तों इस उपाय को आपको करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपको आर्थिक समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप अपने गले या फिर तिजोरी में एक नारियल का लाल कपड़े में लपेटकर जहां आप पैसे रखते हैं उस जगह रख दें। इससे दोस्तों आपकी धन में वृद्धि होगी और आपके आने वाले सभी कष्टों का भी निवारण होगा। तो दोस्तों आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, यह आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे।